नमस्कार दोस्तों, आज आपको इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के बारे में मोटा मोटी बातें बताई जाएंगी। मुख्य मुख्य बातें जो हैं वो सिर्फ वीडियो में बताई जाएंगी, बाकी आप इस फाइल को पढ़ लेना। मैं पूरी फाइल आपको दिखा रहा हूँ धीरे धीरे। ये जो है, जैसे अपने गाँव के अंदर नरेगा का काम चलता है लेकिन शहरी क्षेत्रों में वो काम नहीं चलता है, इसलिए ये योजना जो है वो लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले जो सेवाएं दे रहे हैं, जैसे हेयरड्रेसर, रिक्शा वाला, कुमार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग पेंट करने वाले, नल बिजली मरम्मत करने वाले, जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको इस योजना का फ़ायदा दिया जाएगा। इसके तहत जो है 50,000 रुपये वो भी बिना ब्याज दिया जाएगा। इसके लिए अनौपचारिक क्षेत्रों में छोटे व्यापार को विकसित करने को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है, और जो अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोविड-19 से जो दुष्प्रभाव है फैला था उसको कम करने का इसका उद्देश्य है, जिससे कि सभी प्रकार की जो बातें हैं, जो सामान है वो ला सकें, और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करना इसका उद्देश्य है। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की सीमा में है, वहीं पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना की जो समय सीमा है वो एक वर्ष, ये योजना जो है एक वर्ष के लिए लागू रहेगी, और पैसा जो भी है वो ऋण मुक्त रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी ब्याज नहीं देना। अभी आगे जो है हम बात करते हैं, तो इस योजना के जो मुख्य बिंदु हैं वो 50,000 रुपये ऋण दे सकता है एक कैंडिडेट, और ये जो है लाभार्थी क्रेडिट कार्ड, एटीएम या डेबिट कार्ड के द्वारा इस राशि को आवश्यकता अनुसार दिनांक 31 मार्च 2022 तक एक या अधिक किस्तों में ले सकता है, वो अपनी इच्छा से जितना लेना चाहे वो ले सकता है। ये योजना केवल राजस्थान के शहरी क्षेत्रों के लिए होगी, और जो पहले फार्म भरेगा उसको पहले मिलेगा, जो बाद में फार्म भरेगा उसको बाद में मिलेगा, यानी फिफ वाला नियम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप सबसे पहले इसका आवेदन करें, और ये इस प्रकार से जो चयनित करने का मापदंड है वो इन्होंने दे रखा है, प्रमाण पत्र वगैरह जो भी दे रखे हैं वो सारे चयनित की प्रक्रिया इसमें दिखाई गई है, किस प्रकार से चयन किया जाएगा। इसमें जितने भी कैटेगरी आ रही हैं, धोबी, रंग पेंट, नल बिजली, मिस्त्री, बुनाई करने वाले, साइकिल, मोटरसाइकिल, मिस्त्री, ऑटो रिक्शा, कुमार, खाती, मोची, मिस्त्री, और ये सारे के सारे जो भी हैं वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अभी ये सारी जो है जो फायदे लेने वाले नाम हैं वो ऊपर दे रखा है, वर्कर वगैरह, रेग पिकर, सेविंग वर्कर्स आदि। ये जो है इसके लिए राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए कैंडिडेट, और राजस्थान के शहरी क्षेत्र का ही निवासी होना चाहिए, ग्रामीण को नहीं मिलेगा। योजना जो है वो 18 से 40 वर्ष तक के जो जिसकी आयु है वही व्यक्ति इसका फ़ायदा ले सकता है, और विशेष बात ये भी, इस जो व्यक्ति इसका फ़ायदा ले रहा है वो बेरोजगारी भत्ता उसको नहीं मिलना चाहिए, यानी वो बेरोजगारी भत्ता यदि ले रहा है तो ये योजना का फार्म नहीं भर सकता। यानी निम्न वर्गों के आवेदक इस योजना के लाभ का पात्र नहीं, यानी जिसकी आय हर महीने 15,000 रुपये या इससे अधिक है तो वो इस योजना का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं, या जिसके परिवार की हर महीने की आय जो है 50,000 या उससे अधिक है तो वो इस योजना का फ़ायदा नहीं ले पाएगा। लाभार्थियों की पहचान जो है वो उनके जो प्रमाण पत्र SC ST OBC के जो भी हैं उसके हिसाब से की जाएगी। मैं मोटा मोटी इसमें बता रहा हूँ, संपूर्ण जानकारी इसमें नहीं दे पाऊँगा वीडियो के अंदर, आप स्क्रीन रोक करके वीडियो की इसमें देख लेना। ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची, ये जो है 12 महीनों के अंदर किस्तों में चुकाना आवश्यक है, पैसा आपको 12 महीने के अंदर किस्तों के अंदर चुकाना पड़ेगा, ब्याज देना नहीं है किसी प्रकार से। ब्याज की दर व अन्य खर्चे, ब्याज की दर वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक अथवा छोटे वित्त बैंकों हेतु 10% निर्धारित है। ऋण संबंधी लेन देन स्टाम्प ड्यूटी के दायरे से बाहर रहेगी, स्टाम्प ड्यूटी के दायरे से ये जो प्रक्रिया है वो बाहर रहेगी। इसमें साथ में ये दे रखा है कि 10% वार्षिक निर्धारित है, तो ये एक बार थोड़ी सी कन्फर्म कर लेना आप, एक तरफ ब्याज मुक्त जो ये ऋण है वो दिया जाएगा, लेकिन यहाँ साथ में ये भी लिखा गया है। NPA ऋणों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान की अधिकतम अवधि तय किया जाना अपेक्षित है, और ये देखिए अभी मोटा मोटी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चाहिएगा,
और जन आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और राजस्थान का वर्तमान मूल निवास चाहिएगा, और स्थायी निवास से संबंधित दस्तावेज चाहिए, बैंक अकाउंट की पासबुक चाहिएगी, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिएंगे इसमें। और फिर आपके आगे रह जाएगा वर्तमान में आवेदन पर चल रहे बकाया ऋण संबंधी सूचना, यानी आपसे कोई बकाया आपके किसी बैंक में चल रहा है पैसा, तो उसकी सूचना देनी है। व्यापार, आप क्या करते हो, आपकी मासिक आय क्या है, मासिक पारिवारिक आय क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। और ये आगे आप पढ़ सकते हो किस प्रकार से प्रक्रिया रहेगी आवेदन करने की, सारी की सारी दे रखी है। 72 घंटे के अंदर OTP प्राप्त होगा आपको, और ये टोटल जानकारी यहाँ पर मोटा मोटी दे रखी है। इसमें जो नोडल अधिकारी द्वारा आवश्यक जाँच 15 दिन का टाइम है उनको, वो 15 दिन के अंदर पूरी करेंगे। और संबंधित ऋणदाता संस्थान द्वारा जांच करने एवं स्वीकृत करने हैं तो 7 दिन का काम है। क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी 3 दिन के अंदर हो जाएगी, यानी टोटल काम जो है आपका 25 दिन के अंदर होने वाला है। इसके बाद में देखते हैं हमें फॉर्म, तो इसमें आपको पर्सनल डिटेल में आपका नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, आप कहाँ का निवासी वो डालना है, आधार नंबर डालना है, आपकी उम्र कितनी है, और राजस्थान के अंदर आप रह रहे हो उसका जो प्रूफ है वो डालना है। टाइप ऑफ बिजनेस, किस प्रकार का आप काम करते हो, प्रूफ ऑफ वेंडिंग या सर्विस सेक्टर, यानी किस प्रकार के आप एम्प्लॉय हो उसका प्रूफ डालना है। बिजनेस लोकेशन आपका कौन सा है, शहर के अंदर किस जगह पे आप काम करते हो वो है, और ये आगे बिजनेस दे रखा है खुद का है या रेंटल है, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो किस किराए के ऊपर कर रहे हो या खुद का है। बैंक अकाउंट नंबर देना है, पैन कार्ड नंबर यदि है तो देना है, नहीं तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। डिटेल ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन, यदि आपका दूसरी जगह से कहीं से लोन है ले रखा है तो वो डिटेल है तो देनी है, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद में अप्लीकेशन फॉर्म है वो हो जाएगा, और अप्लीकेंट रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटो चाहिएंगी, 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए फ़ोटो। आइडेंटिटी कार्ड के अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट फ़ोटो आदि चाहिए। और रहने का जो निवास प्रमाण पत्र देना है उसमें वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज़ ये इत्यादि डॉक्यूमेंट देने हैं। और आपकी जो भी बिजनेस है एड्रेस का वो कंप्लीट लिखना है, और अकाउंट फॉर्म बैंकर यानी जिस अकाउंट है उसका लास्ट का 6 महीने का आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। टोटल आपकी मंथली इनकम कितनी है वो लिखनी है, और 8 नंबर में परिवार की जितनी भी आय है वो लिखनी है। EMI यदि आपने कुछ लोन वगैरह है तो वो लिखना है, और टोटल आय कितनी है वो कंप्लीट लिखना है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म है, मोटा मोटी मैंने बता दिया है, बाकी आप इसको देख लेना। ये फॉर्म जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, पूरा पढ़ लेना। मोटा मोटी बातें जो है मैंने बताई हैं, बाकी इतनी सारी जानकारी जो है वीडियो के अंदर देता तो 2 घंटे का काम हो जाता। थैंक यू। सूचना से लेके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।